देखो भाई, वो मजा न प्यार में न तकरार में। क्या बात है बउआ भाई, वो मजा न प्यार में न तकरार में। क्या बात है बउआ भाई, वो मजा जो प्यार में, अरे आगे बोल, सॉरी। वो मजा जो प्यार में न तकरार में, जो मजा है पाकिस्तान की हार में। नमस्कार, मैं बउआ। नमस्कार जय हिंद, मैं हूँ रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं आप रणतंत्र और भैया मंडे ऑफिस आने का। सब लोगों को दुख तो होगा, लेकिन जिस तरह से हमारी लड़कियों ने कल पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता है, छाती चौड़ा हो गया भाई। गॉड, ऑस्ट्रेलिया को हमने गुद्दी से पकड़ लिया था, लेकिन कंगारू हमारी पकड़ से बच निकले। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हुए मस्ट विन मुकाबले में यह तय था कि हरमनप्रीत कौर की लड़कियां बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगी। पाकिस्तान की कैप्टन ने टॉस जीता और फिर वही किया जो बाकी पाकिस्तानी करते हैं। क्या मतलब? मतलब सिक्का घर ले जाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधारना। ए सॉरी, थोड़ी मर्यादा रखिए। मतलब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो उनसे बैटिंग हुई ही नहीं। बारिश की वजह से ऑलरेडी मैच 18 ओवर का हो गया था, लेकिन उतने खेलने में भी पाकिस्तान को नानी याद आ गई। पूरी टीम मैच 99 पर ऑल आउट हो गई। और फिर स्मृति मंदाना के 42 गेंदों में 63 नॉट आउट की वजह से इंडिया ने 38 गेंद में 8 विकेट रहते मैच जीत लिया। हमारी टीम का नेट रन रेट इतना बढ़िया हो गया कि अब हम टेबल टॉप पर पहुंच गए हैं और बारबाडोस को हरा कर हमारी सेमीफाइनल में एंट्री पक्की हो जाएगी। जी हाँ, फॉलो कर रहे हो ना कॉमनवेल्थ गेम्स? हेलो बर्मिंघम, जीतेंगे हम, क्या समझे? और इसी तरह आपकी भी जीत पक्की हो सकती है अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे और वहां पर जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करोगे तो। क्योंकि आज होने वाला इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज T20 मुकाबला। बढ़िया सी टीम बनाओ, ग्रैंड प्राइज 1 करोड़ जीतने का मौका मिलेगा। जी हाँ, माई 11 सर्कल ऐप के मेगा कॉन्टेस्ट को टॉप करके आप 1 करोड़ रुपए का प्राइज जीत सकते हो। IPL में माई 11 सर्कल ऐप वालों ने 50 लोगों को मेगा प्राइज दिया, बोले तो 50 लोगों को करोड़पति बनाया है। यही नहीं, रौनक कूपन कोड लगाने से 20% कैशबैक मिलेगा और 1500 का ज्वाइनिंग बोनस तो है ही। इसलिए देर मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। और वीडियो के एंड में आपको टीम बनाकर बताऊंगा, सेम टीम चिपका देना आज शाम को मैच से पहले, ठीक है? अब जरा मैच की बात कर लेते हैं। वेस्टइंडीज वालों, ये पहले मैच में तुमने क्या किया यार? हमने पहले मैच से पहले तुम्हारी इतनी तारीफ करी थी कि तुम्हारे खिलाड़ी दुनिया भर की T20 लीग में 4 चांद लगाते हैं, लेकिन यहां तो पहले मैच में तुम्हारे खुद के फ्यूज उड़े पड़े थे भाई। इससे बढ़िया कंपटीशन तो तुम लोगों ने वनडे में कर लिया था। ये छक्के उड़ाने के चक्कर में तुम्हारे छक्के छूट जाते हैं। इस बात पर कैप्टन निकोलस पूरन को बहुत ध्यान देना होगा। सह लेंगे थोड़ा सा। अरे वैसे हमारे कहने पर क्या, पूरे वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड को ही पता होगा, लेकिन इसके लिए वो क्या कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे ज्यादा बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इस साल की T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रगल कर रही होती क्या, बताओ? जी हाँ, इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मेन ग्रुप में वेस्टइंडीज को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली है, क्योंकि कट ऑफ के टाइम पर उनकी T20 रैंकिंग कम थी। अब हालत ये हो गई है कि अफगानिस्तान तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन वेस्टइंडीज को आयरलैंड, नामीबिया और नीदरलैंड जैसे टीमों के साथ पहले क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा, और इंडिया के खिलाफ उनकी ये सीरीज वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होने का एक कदम है। दूसरी तरफ इंडिया वाले क्वालिफाइड तो हैं, लेकिन हमको तो भैया ट्रॉफी चाहिए। क्या चाहिए? ट्रॉफी चाहिए बउआ भाई, बिल्कुल। और एशिया कप से पहले टीम के मेन सदस्य आखिरी बार इस सीरीज में एक साथ खेल रहे हैं। एशिया कप में विराट कोहली, बुमराह और यजुवेंद्र चहल की वापसी हो जाएगी, इसलिए जिसको मौका दिखाना है ये आखिरी मौका है। कहा है कि अब मौत जिंदगी का हम ऊपर वाले का हवाले कर दिया। वनडे में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले श्रेयसी T20 में लगातार फेल हो रहे हैं, और अगर उनको सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा जैसे नामों के बीच अपनी गिनती करवानी है तो उनके लिए ये मैच और सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्विन को पहले T20 में गेंदबाजी करते देखना बढ़िया था। टीम मैनेजमेंट ने उनको कुलदीप यादव और अक्षर पटेल से आगे खिलाया और उन्होंने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। न सिर्फ अपनी गेंदबाजी से बल्कि बल्लेबाजी में भी उन्होंने दिनेश कार्तिक का बढ़िया साथ निभाया और टीम इंडिया एक एवरेज स्कोर से एक बढ़िया स्कोर तक पहुंच गई। दिनेश कार्तिक के बारे में तो क्या ही कहना है भाई साहब, सिर्फ दिल ही नहीं जीत रहे हो। बउआ की तो आपने किडनी, लिवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन सब पर कब्जा कर लिया है। डर लगता है कहीं हमारी ही नजर न लग जाए। उल्टी सीधी बातें क्यों करता, उल्टा पैदा हुआ था क्या? लेकिन दिल को अंदर से फीलिंग आ रही है कि दिनेश कार्तिक ही वो मिसिंग लिंक है जो हमें वर्ल्ड कप जिताने वाले हैं। खैर, इस पर ज्यादा नजर नहीं लगाते, आप जरा अपनी नजर डिस्क्रिप्शन पे लगाओ, बोले तो वहां पर माई 11 सर्कल ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो और आज होने वाले मैच की आइए मिलकर टीम बना लेते हैं। सबसे पहले तो विकेट कीपर हमारे पंत होंगे, निकोलस पूरन होंगे, बैटिंग करेंगे सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा हिटमायर, ऑलराउंडर जेसन होल्डर, काइल मेयर्स और हार्दिक पंड्या, गेंदबाजी हरदीप सिंह से करवाएंगे, उबेद मकाय होंगे और अकील हुसैन होंगे, कैप्टन हम बनाएंगे हार्दिक पंड्या को जबकि हमारे उपकप्तान होने वाले हैं पूरन भैया। बाकी आप भी टॉस होने के बाद अपनी टीम बना रहा और मैच एंजॉय करना, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। ज्वाइनिंग बोनस 1500 रुपए का,
का आपका इंतजार कर रहा है, क्या समझे? मगर याद रखना, दिस गेम इनवॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी कल सुबह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी जरूर दबाना होगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो देख कहां से हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, जय हिंद।